हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्राम हाउ टू ट्रांसलेट। गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्य। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास का अनुवाद हम कैसे करते हैं। एडवर्ब क्लास भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वही काम करता है जो एडवर्ब एक सिंपल सेंटेंस में करता है, अर्थात मेनली ये वर्ब की विशेषता बताता है। बाय एंड लार्ज इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से वो वर्ब की विशेषता बताता। और इस क्रम में वो समय, स्थान, उद्देश्य, कारण, शर्त, तुलना और विरोध जैसे अर्थ को वो मैनिफेस्ट करता है, बताता है। तो आज हम समय बतलाने वाले एडवर्ब क्लास का अनुवाद सीखेंगे कि एडवर्ब क्लास जो समय बताता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हो कि समय जो बतलाता है एडवर्ब क्लास, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हम एडजेक्टिव और नाउन क्लास के बारे में जाने, उसी तरह से हम एडवर्ब क्लास के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कैसे इसका अनुवाद होता है। अनुवाद ये स्पेशली ये दोनों तरह से काम करेगा, जो हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या अंग्रेजी से हिंदी सीखना चाहता है, ये वाइस वर्सा, ये दोनों तरफ से आपको काम करेगा। कुछ लोग जो हैं वो हिंदी भी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी के माध्यम से, तो उनके लिए भी इस प्रोग्राम में उनका भी स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये एडवर्ब क्लास को बनाते हैं। तो इसमें एडवर्ब क्लास के सबॉर्डिनेट क्लास के और टाइम के कुछ जो है वो कंजंक्शन होते हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कंजंक्शन जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम के जो कंजंक्शन होते हैं वो मेनली है हु, ये व्हेन है, सॉरी व्हेन, बिफोर, आफ्टर। और तो ये देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कोई वाक्य लीजिए, बोलने के पहले सोचो, बोलने के पहले सोचो, तो थिंक बिफोर यू स्पीक। तो थिंक बिफोर यू स्पीक के लिए सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है, और ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है व्हेन हो सकते हैं, वेयर हो सकता है, व्हाइल हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, टिल हो सकता है। ये सब जो कंजंक्शन होते हैं वो टाइम इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। जैसे एक हम आपको 5-6 ये रूल्स दे रहे हैं, इसमें उसी पर हम करेंगे। जैसे लास्ट क्लास और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस फर्स्ट क्लास पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे कहे कि सालों बीत गए तुमसे मिले हुए, सालों बीत गए तुमसे मिले हुए। तो पहले इसको ये जो तुमसे मिले हुए सालों बीत गए, ऐसे करेंगे, तुमसे मिले हुए सालों बीत गए। तो सालों बीत गए का तो कैसे अंग्रेजी होगा, Years have been rolled away, या years have rolled away, years have rolled away since I met you, years have rolled away since I met you, जब से हम लोग मिले सालों गुजर गए। फिर जैसे 3 साल हो गया उसको मरे हुए, तो 3 years have been passed,
3 years have passed since he died या they died. तो 3 साल मरे हुए हो गए. 3 years have passed. तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले रखते हैं, इसके बाद सिंस रखते हैं, और इसके बाद जो है पास्ट इंडिफिनिट. तो जैसे 3 years have passed, ये एक सेंटेंस हो गया सिंस. और दे डाइड या ही डाइड या सी डाइड, तो ये पास्ट इंडिफिनिट हुआ. तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं और तब फिर आगे बढ़ते हैं. जैसे 75 साल बीत गए जब से अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा. 75 साल बीत गए जब से अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा. 75 years have passed since the British left India. Since the British left India. तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और इधर पास्ट परफेक्ट हो गया. और फिर आप देखते हो ये सिंस से जुड़ा हुआ है. तो इसी तरह से और देखते हैं, उसे मरे हुए दशक बीत गए. दशक की अंग्रेजी होती है डिकेड. तो एक डिकेड बीत गया इसका. तो ए डिकेड हैज़ पास्ड सिंस ही वेंट, सिंस ही डाइड. उसे मरे हुए तो सिंस ही डाइड, सॉरी, ए डिकेड हैज़ पास्ड सिंस ही डाइड. और देखते हैं, उसे गए हुए 20 साल बीत गए. तो 20 साल बीत गए, 20 years have passed या 20 years have rolled down, ऐसे भी कह सकते, या rolled away भी लिख सकते हो. 20 years have rolled away since he left. जब से फूल मुरझा गए हैं तब से वर्षा नहीं हुई है. It has not rained since the flower faded. It has not rained since the flowers faded. जब से वह गया एक भी पत्र नहीं लिखा. He has not written even a letter since he went. तो आप देखें कि इस तरह के वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं. तो पहला जो क्लास होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस से जुड़ेगा, और दूसरा जो होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा. अच्छा, अब एक तरह का और सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं. इट इज़ प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस भी टू. भी टू का मतलब वर्ब का सेकंड रूप. जैसे उसे गए हुए एक माह गुजर गए, तो इसको इट से भी बना सकते हैं. इट इज़ ए मंथ, इट इज़ ए मंथ सिंस ही वेंट. इट इज़ ए मंथ सिंस ही वेंट. उसे गए हुए एक माह गुजर गए. उसका कत्ल हुए 2 साल गुजर गए. इट इज़ 2 years सिंस ही वॉज मर्डर. इट इज़ 2 years सिंस ही वॉज किल्ड और मर्डर. उसे कुआं खोदे हुए 3 माह हो गए. इट इज़ 3 months सिंस द वेल वॉज डग. उसे गए हुए 10 वर्ष बीत गए. उसे गए हुए 10 वर्ष गुजर गए. इट इज़ 10 years सिंस ही वेंट. उसे गए हुए ही वेंट. तो ये इट इज़ से बना सकते हैं. इट इज़ प्लस टाइम एक्सप्रेशन. इट इज़ ए मंथ या इट इज़ टू मंथ. इट इज़ ईयर्स सिंस ही सिंस दे, ऐसे करके आप बना सकते हो. अगेन हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं. इसमें हम पास्ट परफेक्ट को पहले रखेंगे,
और फिर बिफोर और प्लस पास्ट इंडिफिनिट। तो ये मेरे पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो मेरे पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो इसको जो गाड़ी छूट चुकी थी उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। और मेरे घर पहुंचने के पहले मेरी माँ मर चुकी थी, मेरी माँ मर चुकी थी, इसका बनाइए माई मदर हैड डाइड बिफोर आई रीच होम, बिफोर आई रीच होम, माई मदर हैड डाइड बिफोर आई रीच होम। पुलिस के आने के पहले गुंडे 9-2-11 हो चुके थे, गुंडे का होता गूंस कहते हैं शॉर्टमेंट, गूंस हैड टेकन टू हिल्स, गूंस हैड टेकन टू देयर हिल्स, ये फ्रेज है, टेकिंग टू देयर हिल्स मतलब होता है भागना, जल्दी से भागना या 9-2-11 होना, तो हमने इसको लिया है। देखिए, गूंस हैड टेकन टू देयर हिल्स बिफोर द पुलिसमैन अराइव द स्पॉट, बिफोर द पुलिसमैन अराइव द स्पॉट। तो ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में। अब एक और स्ट्रक्चर देखिए, ये भी बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडिफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। मेरे घर पहुंचने के बाद माँ मरी, मेरे घर पहुंचने के बाद माँ मरी, तो इसको पहले पास्ट इंडिफिनिट में लिखिए, जहाँ हम पहले पास्ट परफेक्ट में लिखे थे वहाँ आप ये पास्ट में लिखिए। मदर डाइड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, मदर डाइड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। परीक्षा में असफल होने के बाद उसने कड़ी मेहनत की, उसने कड़ी मेहनत की, इसको लीजिए, ही वर्क हार्ड आफ्टर ही हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। और पैसा खाने के बाद मुझे होश आया, पैसा खाने के बाद मतलब पैसा लेना होता है, पैसा खाना नहीं। आई केम टू कॉन्शसनेस आफ्टर आई हैड टेकन मनी, आई केम टू कॉन्शसनेस या आई केम टू सेंसेस आफ्टर आई हैड टेकन मनी, होश में आना का होता है, आई केम टू कॉन्शसनेस। अगर ये यहाँ पर होश का मतलब हो गया कि बेहोश हो गया था तक, अगर मतलब चैतन्य हुआ या उसको चेतना जगी, तो आई केम टू सेंसेस आफ्टर आई हैड टेकन मनी। तो एक और देखिए, अब हम देखते हैं नो सूनर से कैसे बनाते हैं। नो सूनर, जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किया बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, नो सूनर हैड ही इंटर्ड, नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम दैन चाइल्ड स्टॉप क्राइंग। तो पास्ट परफेक्ट और दैन और प्लस पास्ट इंडिफिनिट, नो सूनर पास्ट परफेक्ट दैन प्लस पास्ट इंडिफिनिट। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम दैन द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश किया बच्चे ने रोना बंद कर दिया। और इसको डिड से भी बनाते हैं, जैसे नो सूनर डिड ही इंटर द रूम, नो सूनर डिड ही इंटर द रूम देन द चाइल्ड स्टॉप क्राइंग।
तो नो सूनर हैड नो सूनर डिड, इसको याद रखिए, नो सूनर हैड नो सूनर डिड। तो देखिए दूसरा देखते हैं, जैसे ही जैसे ही सांप बिल के बाहर निकला लोग भाग गए, जैसे ही नो सूनर हैड द सर्पेंट, नो सूनर हैड द सर्पेंट क्राउड आउट फ्रॉम द होल पीपुल फ्लेड अवे, नो सूनर हैड द सर्पेंट क्राउड आउट, क्राउड आउट मतलब रेंगते हुए बाहर निकलना, क्राउड आउट फ्रॉम द होल बिल से पीपुल फ्लेड अवे, लोग भाग गए। फिर से इसको देख लीजिए, नो सूनर हैड द सर्पेंट क्राउड आउट फ्रॉम द होल पीपुल फ्लेड अवे। आप इसको डिड से भी बनाइए, नो सूनर डिड द सर्पेंट क्राउड आउट फ्रॉम द होल पीपुल फ्लेड अवे। तो एक सेंटेंस एक स्ट्रक्चर ये भी था जो समय बतलाता हो। एक और देखिए, एज सून एज से, तो एज सून एज में सभी टेंस का प्रयोग कर सकते हो, प्रेजेंट का भी कर सकते हो, पास दोनों में, प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों में, पास पास ऐसे करके कर सकते हो। जैसे वह जैसे ही आया शिक्षक उसे पीटने लगे, एज सून एज ही केम द टीचर बिगेन टू बीट हिम। तो ये दोनों पास्ट में ही है, पास्ट इंडिफिनिट में है। एज सून एज ही केम द टीचर बिगेन टू बीट हिम, हाँ। तो मैंने बताया ये दोनों एक ही टेंस में हो सकते हैं। जैसे जैसे ही वह बैठता है उसे बच्चे मक्खी की तरह तंग करने लगते हैं, तो ये दोनों प्रेजेंट में बनाइए। एज सून एज ही सिट्स डाउन, एज सून एज ही सिट्स डाउन चिल्ड्रेन पेस्ट हिम लाइक फ्लाइज, पेस्ट का मतलब होता है तंग करना, टीज हिम, पेस्ट हिम, एक्साइट हिम, इनसाइट हिम, सॉरी, हाँ। एज सून एज ही सिट्स डाउन, जैसे वो बैठा, चिल्ड्रेन पेस्ट हिम लाइक फ्लाइज, जैसे ही चोर घर में घुसे कुत्ता भौंकने लगे, जैसे ही चोर घर में घुसे, एज सून एज थीव्स ब्रोक इन टू द हाउस, एज सून एज थीव्स ब्रोक इन टू हाउस डॉग्स बिगेन टू बार्क, डॉग्स बिगेन टू बार्क, जैसे ही मैं फूल तोड़ता हूँ भौरे गुनगुनाने लगते हैं, गुनगुनाने मतलब हम करने लगते हैं। एज सून एज आई प्लक फ्लावर बीज हम अराउंड अस, बीज हम मतलब होता है गुनगुनाने लगते हैं। जैसे का अनुवाद जो है इसी इसको एक और स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, जैसे का अनुवाद हार्डली से ही बना सकते हैं, हार्डली से, स्केयर्सली से बना सकते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, हाँ एक को लेते हैं, अभी वह घर पहुंचा ही था कि उसके पिता उसे डांटने लगे, अभी घर वह पहुंची ही थी कि उसके पिता उसे डांटने लगे, या लौटी ही थी, अभी वह घर लौटी ही थी कि उसके पिता उसे डांटने लगे, अभी वह घर लौटी ही थी। तो हार्डली हैड सी रिटर्न होम व्हेन हर फादर बिगेन टू चाइड हर, चाइड मतलब था डांटना, हार्डली हैड जैसे ही मुश्किल से, इस तरह का जो अर्थ निकलता है हिंदी में वो इस तरह से बनाया जाता है, मुश्किल से वो घर पहुंची ही थी, हार्डली हैड से नहीं, घर से लौटी ही थी, घर लौटी ही थी, हार्डली हैड सी रिटर्न होम व्हेन हर फादर बिगेन टू चाइड हर, मुश्किल से वह स्कूल पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, इसको बनाइए, स्केयर्सली भी लिख सकते हैं, हार्डली के जगह आप स्केयर्सली भी लिख सकते हैं, स्केयर्सली हैड ही रीच्ड द
school when it began to rain. Hardly वह बैठा ही होगा कि बिच्छू ने उसे डंक मारा। वह बैठा ही था, बैठा ही होगा। तो यहाँ भी hardly had he sit when a scorpion stung him. Hardly had he तो hardly had he sit when a scorpion stung him. तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे आप इसका अर्थ बताएं, hardly had the plane taken off when a soldier gunned it down. Hardly had the plane taken off when a soldier gunned it down. जैसे ही जहाज उड़ा ही था कि सिपाही ने उसे मार गिराया। तो ये जो है हमने आपको एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बताया, हमने ये बताया कि टाइम के सेंटेंसेस को कितने तरह से आप बना सकते हो। तो हमने कम से कम 5-6 आपको स्ट्रक्चर बताया, आप इसे सुनें और अच्छी तरह से आप समझें और आप भी बनाना शुरू करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।